हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पिंदो। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको वॉइस करवाए थे ऐसे सेंटेंसेस के जिनमें मॉडल आता है। तो मॉडल वाले मैंने आपको बताया था, मॉडल प्लस बी लगेगा और थर्ड फॉर्म। तो आज आपको ऐसे सेंटेंसेस करवाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। तो उनके दो तरीके होते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के। एक तो ये फॉर्मूला है, लेट लगा के हो सकता है, लेट उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आएगी पैसिव में। जैसे एग्जाम्पल से सही समझेंगे आप, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, एक्टिव वॉइस। ये देखो डायरेक्ट वर्ब, शट वर्ब है, उसी से शुरू है ये, शट द डोर। तो इसके दो तरीके हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के। एक तो है लेट के बाद, लेट लगा के, लेट उसके बाद डोर, लेट द डोर, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, लेट द डोर बी शट। एक तरीका है ऑर्डर, जैसे ये ऑर्डर भी हो सकता है, दरवाजा बंद करने का आदेश भी ये हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद प्रपोजिशन टू, फिर वर्ब शट द डोर। आपको आदेश दिया जाता है कि दरवाजा बंद करो। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही सही समझ में आएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको करवाए जाएंगे इसके, तो एग्जाम्पल से ही इसका तरीका समझ में आएगा। इसके अलावा आगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे जो बिल्कुल ही टिपिकल हैं, अलग टाइप के हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस से ही। और देखिए एग्जाम्पल, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो, यानी बत्ती जला दो, एक्टिव वॉइस। पैसिव देखो कैसे बनेगा, लेट लगा के, लेट द लाइट, इसमें सब्जेक्ट है लाइट, बत्ती, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड, स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन इकट्ठा आएगा, तो वहां भी स्विच्ड ऑन इकट्ठा आएगा। या ऑर्डर के साथ ऐसे भी, ये ऑर्डर भी हो सकता है बत्ती जलाने का, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, ऐसे भी हो सकता है टू स्विच द लाइट ऑन, ऑन को पीछे भी लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेट अस डू आवर वर्क, आओ हम अपना काम करें, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव में देखो, लेट आवर वर्क, लेट उसके बाद सब्जेक्ट है आवर वर्क, उसके बाद बी, उसके बाद डन, लेट आवर वर्क बी डन। और देखो हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो लेट से भी बन सकता है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, वही तरीका, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। और भी तरीके से बन सकता है एडवाइस, ये ऑर्डर नहीं है, गरीब की मदद करने का आदेश नहीं दे सकते किसी को, उसको सलाह दे सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, तो ये देखना आपने कि किस चीज का हम ऑर्डर दे सकते हैं, या किस चीज की सलाह दे सकते हैं, या रिक्वेस्ट, कुछ चीजों की रिक्वेस्ट होती है, तो कई जगह पे आदेश होता है, कई जगह पे रिक्वेस्ट होती है, तो सलाह भी हो सकती है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, एडवाइज्ड टू आई। तो लेट से तो ये सारे हो ही सकते हैं, बाकी अगर दूसरे तरीके से अगर करना है तो उसमें आपको सोचना है कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर है, या एडवाइज है, या रिक्वेस्ट है, या फॉरबिडन है, ये देखना है। लेट से तो सबका तरीका सेम है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एडवाइस या रिक्वेस्ट वो अलग अलग है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर।
आपको सलाह दी जाती है कि गरीब की मदद करो। और देखिए एग्जांपल, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो लेट के तरीके से तो वही है, लेट उसके बाद योर टाइम, नॉट बी वेस्टेड, नॉट है इसमें, बी वेस्टेड नहीं, नॉट बी वेस्टेड, नॉट बी आएगा, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, बी के बाद थर्ड फॉर्म। और दो तरीके और भी हैं इसके, इसके तीन तरीके हैं। एक तरीका वही एडवाइज वाला, आपको सलाह दी जाती है कि आप समय बर्बाद मत करो, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, नॉट टू आएगा, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। एक और तरीका भी है, आपको मना किया जाता है समय बर्बाद करने के लिए, मना करने में भी आ सकता है, उसमें फॉरबिडन आएगा, फॉरबिड होता है मना करना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, तो फॉरबिडन आएगा इसमें, यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम। अब नोट नहीं लगाना, फॉरबिडन अगर लगाया है तो नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट जो नकारात्मकता है वो फॉरबिड में ही आ गया, मना कर दिया, आपको समय बर्बाद करने के लिए मना किया जाता है, तो फॉरबिड अगर लगाया है, नोट है जो वो फॉरबिड में ही आ जाता है, मना कर दिया जब, तो जो नहीं है वो मना करने में ही आ जाता है। यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, अगर यहाँ नोट लगा दिया, फॉरबिडन भी लगा दिया और नोट भी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये तरीके वैसे आपको आने चाहिए, अदरवाइज लेट वाला तरीका तो सब में कामयाब है, लेट वाला तो सब में लगा ही सकते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे प्लीज ब्रिंग मी फूड, कृपया मेरे लिए भोजन लाओ, तो इसमें रिक्वेस्ट की गई है, एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट की गई है, पैसिव में भी रिक्वेस्ट ही रहेगी, लेकिन उसमें साफ बताया जाएगा कि रिक्वेस्ट की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी फूड, प्लीज आ गए ना, प्लीज आ जाए तो उसमें रिक्वेस्ट ही लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड ही लिखना है, प्लीज आ जाए तो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी फूड। आगे कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ज्यादा रूल्स काम नहीं करते, उनमें तो प्रैक्टिस ज्यादा काम करती है। जैसे देखिए, इट इज टाइम, अगर आ जाए इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का समय हो गया है। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो बनेगा इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अगर ऐसे आ जाए, इट इज टाइम टू टेक टी, चाय पीने का समय हो गया, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म टू बी टेकन। जैसे ये है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। और एक बात और समझ लो, नो के साथ हेल्प, ये जो प्रपोजिशन है बाय नहीं आएगी, नो के साथ प्रपोजिशन टू आएगी, ये भी याद रखना है। जैसे एग्जांपल है, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, तो बनेगा ही इज नोन टू मी। बाकी तो वही तरीका रहेगा जो पहले आपको बताया हुआ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के वॉइस आपको करवाए थे, वो तो वही तरीका है, सिर्फ जो नो के साथ प्रपोजिशन बाई लगाते थे तो वो बाई नहीं आएगा, नो के साथ टू आएगा, बाकी में बाई लगाते थे लेकिन नो के साथ टू आएगा। हिम का तो ही बन जाएगा, यहाँ आई का भी बन जाएगा, ही इज नोन बाई मी नहीं आएगा, ही इज नोन टू मी आएगा, तो वो इसमें इतना ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रपोजिशंस का टॉपिक करवाऊंगा, तो
इनको ये सारे रूल्स और ये सारे एग्जांपल्स आपने कॉपी में नोट भी करने हैं, फेयर कॉपी में भी नोट करने हैं, और जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती है आपको, एक्सरसाइज भेजी जाती है, उसको पहले आपने रफ में करना है, और रफ में करके जब सही वो हो जाए उसको फिर मिलाओ, साथ में आंसर भी आपको भेजा जाता है, तो उस आंसर को आप मिलाओ और सही जब लग जाए, सही हो जाए, तो तब उसको फेयर में नोट करो। फेयर में आपने कोई डाउटफुल चीज़ नोट नहीं करनी, फेयर कॉपी में कोई भी डाउटफुल चीज़ है वो आपने रफ कॉपी में नोट करनी है, और फिर उस डाउट को पूछना है। फेयर कॉपी में आपने वही चीज़ें नोट करनी है जिनमें आपको कोई डाउट नहीं है, जो बिल्कुल सही है। तो पहले आप प्रैक्टिस के लिए रफ में लिखो, और जब वो सही हो जाए तो उसको फिर फेयर में लिखो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।